अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं YouTube चैनल और Facebook पेज पाखंडल्स लाइफ ऑन द रोड। मैं हूं अब्दुल वहाब नईम और आज की कार फॉर सेल की एपिसोड में आपके लिए इंतहाई शानदार और बहुत ही मुनासिब कीमत में टोयोटा करोला आल्टस 1.8 क्रूस्टोनिक 2014 का मॉडल लेके आए हैं। आपको इस गाड़ी की मुकम्मल डिटेल, ओनर की डिमांड और ओनर से कॉन्टैक्ट करने के तरीके के बारे में बताते हैं, तो आप ये वीडियो एंड तक देखें। करंट लोकेशन गाड़ी की कराची है और नंबर इस गाड़ी को कराची सिंध का लगा हुआ है। 2014 में इस गाड़ी को कराची सिंध के नंबर पे रजिस्टर्ड करवाया गया है। फ्यूल कंजम्पशन इस गाड़ी की पेट्रोल है। थ्रू आउट ये गाड़ी पेट्रोल पे चलाई गई है, सीएनजी इसमें कभी भी इंस्टॉल नहीं करवाई गई। फ्यूल एवरेज ओनर के मुताबिक आपको ये गाड़ी 11 से 13 की विद इन सिटी विद एसी आराम से देगी और 16 से 17 तक की एवरेज ओनर के मुताबिक ये गाड़ी आपको आउट ऑफ सिटी, अगर आप मोटरवे पे या हाईवे पे ट्रैवल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको देगी। अभी तक गाड़ी 75,000 किलोमीटर के करीब बिल्कुल जेन्युइन चली है, 75,000 किलोमीटर के करीब बिल्कुल जेन्युइन चली है। इस गाड़ी का मीटर रिवर्स नहीं करवाया गया। फ्यूल टैंक इस गाड़ी में 50 लीटर का, 50 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक है। 5-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी है। डिमांड में कुछ ही देर में आपको बताने वाला हूँ। ओनर के कॉन्टैक्ट के लिए आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जिसको आपने ज्वाइन करना है और वहाँ से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेके, यानी कि एडमिन का कॉन्टैक्ट नंबर लेके मुझे पर्सनल इनबॉक्स करना है। इस गाड़ी का स्क्रीनशॉट या ये वीडियो ही मुझसे शेयर कर लीजिएगा तो मैं आपको ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, या आप एपिसोड नंबर मुझे जो टाइटल के शुरू में दिया गया है वो बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा। इससे मुझे पता लग जाएगा कि आप इस गाड़ी की बात कर रहे हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स में ओनर के मुताबिक आपको कोई मसला नहीं मिलेगा। गारंटी है ओनर के मुताबिक इस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स की। टोकन टैक्स इस गाड़ी का अप टू डेट है, यानी कि अब तक का सारा टोकन टैक्स पेड है। सबसे पहले गाड़ी के इंजन की बात कर ली जाए तो इंजन इस गाड़ी में 100% ओके, ओरिजिनल कंपनी फिटेड 1800 cc 4 सिलेंडर 16 वाल्व EFI विद VVTi टेक्नोलॉजी के साथ इस गाड़ी का इंजन है, जो कि 120 हॉर्स पावर एट 6000 rpm प्रोड्यूस करता है और 174 Nm एट 4400 rpm इस गाड़ी का टोर्क है। नीट एंड क्लीन गाड़ी का इंजन रूम जस्ट लाइक अ ब्रांड न्यू कार आपको नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छी कंडीशन में गाड़ी का सील्ड इंजन है, सील टू सील जेन्युइन गाड़ी है। सस्पेंशन वाइज भी गाड़ी आपको 100% ओके और स्मूथ ही देखने को मिलती है। मैकेनिकली इलेक्ट्रिकली गाड़ी A1 कंडीशन में, जस्ट बाय एंड ड्राइव वाली कंडीशन में ओनर के मुताबिक मौजूद है। गाड़ी के टायरों की बात की जाए तो टायर इस गाड़ी में बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर ओनर ने सेल पर लगाने से पहले इंस्टॉल करवाए हैं। इस गाड़ी में आपको अलॉय रिम्स मिल जाते हैं, 16 इंच के इस गाड़ी में अलॉय रिम्स मौजूद हैं। तो इसके अलावा बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन में, मिंट कंडीशन में गाड़ी है। छोटे मोटे स्क्रैचेस गाड़ियों के बम्पर पे और साइडों पे आ जाते हैं तो वो रिमूव करवाए गए हैं, इस गाड़ी पे भी आए थे इसलिए वो रिमूव करवा लिए गए हैं। बाकी इस गाड़ी में कोई मसला नहीं है, कोई मेजर एक्सीडेंट आज तक इस गाड़ी का नहीं हुआ। तो सील टू सील जेन्युइन गाड़ी है, नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी है। कोई इस गाड़ी पे आपको डेंट नहीं मिलता, कोई जंग का निशान नहीं मिलता। और इसके अलावा बात की जाए इस गाड़ी में जो फीचर हैं, बहुत ही बाकमाल फीचर इस गाड़ी में आपको मिलते हैं। क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शन भी आपको इस गाड़ी में मिल जाती है, यानी कि अगर आप लॉन्ग रूट पे, हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, एक कांस्टेंट स्पीड पे आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको एक्सीलेटर दबाए बगैर आप अगर क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन यूज़ करते हैं तो एक्सीलेटर आपको दबाना नहीं पड़ेगा, एक कांस्टेंट स्पीड पे आपकी गाड़ी रन करती रहेगी। हाईवे पे या किसी भी जगह पे आप अगर एक क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शन यूज़ करते हैं तो क्रूज़ कंट्रोल का ये फ़ायदा होता है। इसके अलावा जो इस गाड़ी में फ़ीचर मौजूद है उसमें आपको HD LCD नेविगेशन सिस्टम और बैक कैमरा मिल जाता है, पावर स्टेयरिंग आपको मिल जाता है, एडजस्टेबल पावर स्टेयरिंग, पावर लॉक्स, सेंटर लॉकिंग सिस्टम, पावर विंडोज़ और पावर साइड मिरर आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। पावर साइड मिरर जो हैं इस गाड़ी के वो रिट्रैक्टेबल मिरर हैं, ऑटो रिट्रैक्टेबल और फोल्डिंग मिरर हैं गाड़ी के, यानी कि आप फोल्ड हो जाते हैं इस गाड़ी के मिरर, और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी हैं। तो ये इस गाड़ी के पावर साइड मिरर हैं। तो इसके अलावा बात की जाए तो ABS ब्रेक्स भी आपको इस गाड़ी में मिल जाती हैं, यानी कि एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि काफ़ी अच्छी ब्रेक्स मानी जाती हैं, वो ब्रेक्स इस गाड़ी में मौजूद हैं। और इसके अलावा ओवरऑल इसकी गाड़ी की आउटलुक की बात करें तो बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन में, शोरूम कंडीशन में गाड़ी मौजूद है। तो और इस गाड़ी का जितना भी काम करवाया गया है वो टोयोटा कंपनी से करवाया गया है, बाहर के कारीगर का इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा, बिल्कुल कंपनी मेंटेन गाड़ी है, बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन में गाड़ी है। और टाइमली इस गाड़ी की सारी मेंटेनेंस करवाई गई है, सर्विस हिस्ट्री भी ओनर के पास इस गाड़ी की सारी मौजूद है। बूट स्पेस आप देख लें, काफ़ी रीज़नेबल इस गाड़ी की बूट स्पेस है। स्पेयर व्हील भी आपको इस गाड़ी में मिल जाता है और ये आपको गाड़ी के साथ ही मिलेगा, और रीज़नेबल ग्राउंड क्लियरेंस के साथ गाड़ी है। ग्राउंड क्लियरेंस का भी इस गाड़ी में कोई इशू नहीं है। टोयोटा करोला XLi, GLi, टोयोटा करोला आल्टस को लोग इसीलिए प्रेफर करते हैं, एक तो ये काफ़ी
ग्राउंड क्लियरेंस वाइज अच्छी गाड़ियाँ होती हैं, किसी कच्चे पक्के रास्ते में आराम से ये गाड़ी चली जाती है। और इसके अलावा इसकी जो होती है ना कैबन, अंदर स्पेशियस गाड़ियाँ होती हैं, काफ़ी स्पेशियस गाड़ियाँ होती हैं, इसीलिए लोग इनको प्रेफर भी ज़्यादा करते हैं। तो अब आपको इस गाड़ी की डिमांड बताते हैं। जो ओनर इस गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं वो काफ़ी मुनासिब है, जिस तरह की गाड़ी की कंडीशन है और फीचर्स वाइज गाड़ी बहुत ही अच्छी है, तो इस हिसाब से ओनर की डिमांड भी बहुत ही मुनासिब है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें एक एयर बैग आपको मिल जाता है ड्राइवर साइड वाली सीट के लिए, एक एयर बैग आपको ड्राइवर साइड वाली सीट के लिए स्टेयरिंग में मिल जाता है। तो ये इसमें ये फीचर भी था वो मैं आपको बताना भूल गया था। तो अब आपको इस गाड़ी की डिमांड बता देते हैं जो ओनर इस गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। तो ओनर जो इस गाड़ी की अर्जेंट सेल पर डिमांड कर रहे हैं वो है 31,95,000 ओनर की अर्जेंट सेल पे डिमांड है। नेगोशिएट प्राइस होके आपको 31,50,000 के आसपास ये गाड़ी मिल जाएगी, 31,50,000 के आसपास आपको फिक्स एंड फाइनल ये गाड़ी मिल जाएगी। ये आपकी डीलिंग पे भी डिपेंड करता है, जैसे ही आप ओनर से डील करेंगे वैसी कीमत में आपको गाड़ी मिल जाएगी। और ओनर से जो कॉन्टैक्ट करने की टाइमिंग है वो भी सुन लें कि ओनर ने कहा है कि जब किस टाइमिंग में आपने ओनर से कॉन्टैक्ट करना है, दोपहर 2 से लेके शाम 7 बजे तक काइंडली ओनर से कॉन्टैक्ट करिएगा, तो आपको ओनर ज़रूर रिस्पोंड करेंगे और बिल्कुल मुनासिब कीमत में गाड़ी है। और ओनर का मज़ीद ये भी कहना है जब भी आपने गाड़ी की डील करने आना है तो किसी एक्सपर्ट को, मकैनिक को, डेंटल पेंटर को लाजमी साथ लेके आना है, ताकि आपने अपनी तसल्ली करके आप गाड़ी लें। बिल्कुल A1 कंडीशन में ओनर के मुताबिक गाड़ी है, तो ज़रूर आपने अपनी तसल्ली करके गाड़ी लेनी है, क्योंकि मौके पे आपने मौजूद होना है, तो आपने अपनी तसल्ली करनी है फिर गाड़ी को परचेज़ करना है, क्योंकि आपने इस गाड़ी को पैसे लगा के ख़रीदना है, तो आपने लाजमी तसल्ली करके गाड़ी लेनी है। गाड़ी में ऐसा कोई मसला नहीं है, मैंने जो ओनर ने हमें डिटेल बताई थी उस हिसाब से आपके साथ डिटेल शेयर कर दी है। बिल्कुल A1 कंडीशन में नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी है, कोई सील इस गाड़ी की डैमेज नहीं है, दरवाज़ों की, डिग्गी की, बोनट की सारी सीलें पूरी हैं। A1 कंडीशन में इन शॉर्ट में कहूँ तो गाड़ी मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपके लिए हम इस चैनल पर लो बजट की गाड़ी की वीडियोज़ आपके बजट के मुताबिक टाइम टू टाइम लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।